हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो कुमार सोलर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाईफेशियल सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है और कुछ जो कंपनीज़ है वो क्या क्लेम करती है कि भाई बाईफेशियल गेन लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस है, जो छत है हमारा उससे पैनल का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे बाईफेशियल पैनल है ये। तो बाईफेशियल का मतलब ये नहीं कि ये सामने से जितना जनरेशन कर रहा है पीछे से भी उतना ही जनरेशन करेगा, है ना। जैसे बहुत से लोगों का ये मिथ होता है कि भाई 500 वाट पीक का पैनल है फॉर एग्जांपल, तो वो सामने से 500 करेगा पीछे से 500 करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो पैनल ही 500 वाट पीक का है, ठीक है। उसका जो एक्सेस गेन मिलेगा, कुछ कंपनीज क्लेम करती है अप टू 30%, और कुछ अलग अलग हर एक का क्लेम है। जैसे ये अदानी का है तो इनका क्लेम बाईफेशियल गेन का 30% तक का है, ठीक है। तो इनकी डेटा शीट में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि भैया जो पैनल का सामने का जो ये दिख रहा है आप हाइट, तो ये जो फ्रंट जो पैनल का ये हमारा दिख रहा है आपको पॉइंट, इससे ग्राउंड का क्लियरेंस जो अदानी के पैनल है उसके डेटा शीट में आपको यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पे, वो क्लेम करते हैं कि 300 mm होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस बाईफेशियल गेन हासिल करने के लिए। 300 mm मतलब लगभग 1 फुट डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने क्या किया, बाईफेशियल पैनल लेके टीन शेड पर हमने माउंट कर दिया, तो उस केस में हमारे को कोई गेन देखने को हमको नहीं मिलेगा। तो एक कॉमन सेंस से भी हमको समझ में आता है कि भाई बाईफेशियल पैनल में हमको कुछ इतना डिस्टेंस तो चाहिए कि भाई जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो पैनल से छूट के इधर उधर से आ रही है वो लाइट को खेलने के लिए जगह मिले, लाइट नीचे से रिफ्लेक्ट हो और पैनल के बैक साइड तक पहुंचे, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। जिस तो वो टाइम पर हमको बाईफेशियल का गेन मिलेगा। तो ठीक है, अदानी वालों का ये क्लेम है, रेनोसिस वालों का भी यही क्लेम है कि 300 mm डिस्टेंस होना चाहिए। और जो मैंने इंपोर्टेड पैनल्स का जो मैनुअल्स पढ़ा था ब्लैक एंड वाइट पेपर, तो उसमें आई थिंक जिनको लॉन्जी और एलजी का, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई मिनिमम जो डिस्टेंस है ये 1.2 मीटर होना चाहिए बाईफेशियल गेन हासिल करने के लिए, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना रिसर्च के हिसाब से वो बताते हैं बाईफेशियल गेन के लिए। तो और बाईफेशियल गेन डिपेंड करता है बहुत से चीज़ों पे, जैसे भाई इसका जो नीचे का सरफेस है ये क्या है, अगर ये कॉन्क्रीट सीमेंट है तो बाईफेशियल गेन अलग मिलेगा, अगर ये ग्रास है तो अलग मिलेगा, अगर ये कोई और सरफेस है तो अलग मिलेगा, है ना, स्नो है तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो है बाईफेशियलिटी का फैक्टर जो हमको गेन में मदद कर रहा है इसको अल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं। तो अल्बिडो के वैल्यूज अलग अलग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है उस हिसाब से हमको बाईफेशियल गेन मिलेगा। तो और ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ग्राउंड कवरेज रेशो भी मैटर करता है, GCR जिसको बोलते हैं, ग्राउंड कवरेज रेशो। मतलब क्या कि भाई आपके पास में मान लो 1000 square foot जगह है, उसमें से आपने 400 square foot जगह यूज़ की है और उस पर पैनल आपने माउंट की है पूरे, तो इस केस में ग्राउंड कवरेज रेशो कितना हो गया हमारा 40% लगभग। तो ग्राउंड कवरेज रेशो जितना कम रहेगा बाईफेशियल गेन उतना ज़्यादा हमको मिलेगा, क्योंकि लाइट जो है तो इधर उधर से टकरा के आने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत ज़्यादा भी हाइट हम बाईफेशियल पैनल की नहीं रख सकते, है ना। जैसा मिनिमम रिक्वायरमेंट है वैसा बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं रख सकते, इसलिए ध्यान रखना होता है कि भाई लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो इधर उधर भटक ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी पैनल तक पहुँचे ताकि उसको पैनल कलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर सके। तो अगर बहुत ज़्यादा भी हमारा ये गैप होगा, है ना, ये हाइट पैनल का, ग्राउंड से पैनल का, तो भी हमको गेन उसका नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बाईफेशियल पैनल है तो हम कितनी भी हाइट पे लगाएंगे तो गेन मिलेगा। तो एक सर्टेन वैल्यूज़ है मिनिमम और मैक्सिमम, उन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो छत है इसके सरफेस को वाइट पेंट मार देते हैं या डैम प्रूफ कोटिंग करवाते हैं या कोई वाइट कलर का पेंट मार लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो इन्होंने पहले से ही वाटर प्रूफिंग के लिए करवा के रखा था, ठीक है। इनके पास लीकेज का प्रॉब्लम था तो इन्होंने वाटर प्रूफिंग के लिए शायद ये करवाया था। तो वो करवाने के बाद भी 1-2 महीने आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बाद में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चलने फिरने की वजह से, बारिश की वजह से या किसी और वजह से ये मैला हो जाता है, काला पड़ जाता है, वाइट कलर, तो ज़्यादा उसका कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिलने वाला। डैम प्रूफ आप मारोगे 5-10 हज़ार रुपये आपका चला जाएगा, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा गेन देखने को नहीं मिलेगा, ROI आपको नहीं मिलेगा। तो आप मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि भाई बाईफेशियल पैनल्स हम जहाँ बिठा रहे हैं वहाँ पे हमको जो लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है सराउंडिंग से, जो पैनल के ऊपर नहीं पड़ी, इधर उधर से टकरा के आ रही है, जो पैनल के नीचे से आ रही है, उसको खेलने को जगह मिले, रिफ्लेक्ट होकर पैनल के बैक साइड तक पहुंचने के लिए जगह मिले, तब जाके हमको बाईफेशियल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि भाई आप टीन शेड पे माउंट कर रहे हैं 4-6 इंच लेके और वहाँ पर आप चाहेंगे कि बाईफेशियल पैनल लगाए, तो आपको उतना ज़्यादा उसका बाईफेशियल गेन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो होप कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।